अंधेरा ये मिटे कैसे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, कब तक लड़खड़ाएंगे, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 3,60,00,000 और भारत में 50,00,000 लोग नेत्रहीन हैं, यानी विश्व के नेत्रहीनों में हर सातवां नेत्रहीन भारतीय है। और ये तस्वीर सिर्फ नेत्रदान से ही बदल सकती है। कम से कम नेत्रदान तो लोग करें ही ना, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। बॉडी जाने के बाद तो रख ही है, हमारी डेथ के बाद किसी ना किसी को तो देखने का अवसर मिलेगा। जब तक वो जिएगा तब तक आपको ब्लेसिंग देता रहेगा और वो देखता रहेगा। बुझी आँखों की जोत जला कर हक उनको ये दे दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखे। चोट, कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात विकार, रासायनिक जलन, ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं के अलावा भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नेत्रहीनता का एक बड़ा कारण है। और हरियाणा में भी हजारों लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। मेरी आंख में ज्योति 30-35 साल से बंद हो, मैं कुछ नहीं कर पाती। भगवान जाने की कितना कष्ट हुआ, मन कर रहा था कि मैं देख सकूं, कर सकूं, तो हो नहीं पाता। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, आंख की ज्योति आई, अब सब कुछ देखकर बहुत खुश हूं। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। हर मन में उजियारा हो, जीवन जगमग और प्यारा हो, अंधेरे में ना कोई भटके, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखे। नेत्रदान एक पुण्य का काम है जिसे किसी भी आयु, लिंग या धर्म का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। ये समय है औरों के काम आने का। आप भी आज ही नेत्रदान की शपथ लें। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना नेत्रदान करूं। हम जीते जी क्या दे सकते किसी को, पैसा, कपड़ा, यही सब दे सकते हैं। अगर हम किसी को नेत्र ज्योति दे दें, जो कि सबसे अनमोल है, उससे बड़ा दान तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है दुनिया में। नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया ही प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल होता है और ये प्रक्रिया बेहद आसान है, जिसमें मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही किया जाना चाहिए। चाहे आप चश्मा लगाते हों या आपको मोतियाबिंद, उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारियां ही क्यों ना हों, आप नेत्रदान कर सकते हैं। कई लाख लोग वेटिंग में हैं जिनको अभी आंखें तक नहीं मिली। एक बार सोच के देखो, एक बार कल्पना करके देखो, और उनकी जिंदगी में अगर हम उजाला दे सके तो उससे बेहतर काम नहीं हो सकता। हरियाणा के हर जिला अस्पताल में एक नेत्रदान केंद्र यानी आई डोनेशन सेंटर है। आप टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करके भी नेत्रदान कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी नेत्रदान के लिए लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। पहले लोगों को नहीं देख पाते थे, लोगों का चेहरा नहीं पहचान पाती थी, तो ऑपरेशन के बाद मैंने लोगों को देखा कि मैं जिन लोगों से बात करती थी वो दिखते कैसे हैं। डॉक्टर ने भी बताया था कि आपको आंखें डोनेट की गई, जो जिंदगी मुझे नहीं मिली थी उनकी वजह से मिल गई। उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। नेत्रदान के बारे में कुछ प्रचलित भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि नेत्रदाता का चेहरा विक्षिप्त हो जाना, अगले जन्म में अंधा पैदा होना। इस तरह के ख्याल को मन से दूर कीजिए।
और आइए नेत्रदान की शपथ लेकर मरने के बाद भी इस दुनिया में बने रहने का रास्ता चुने। कोई ना लड़ खड़ाए हम, कदम ना डगमगाए हम, ये दुनिया देख पाए सब, आंखों में जोत चमके। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें।